हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट दिस चैनल। आज हम लोग अकाउंटेंसी में एनपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टर्म्स का स्टडी करेंगे जो आपके सामने हैं। बट इससे पहले हमने एनपीओ के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस किए हैं जो आपके सिलेबस और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन क्लासेस को मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासेस के, उन टॉपिक्स के जो एनपीओ के हैं, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स के भी कई सारे वीडियोस मिलेंगे आपको इस चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। विदाउट कोई टेंशन के आप उन सभी वीडियोस को, उन सभी क्लासेस को देख करके अपना नॉलेज गेंस कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए हम चलते हैं एनपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके क्वेश्चन के लिए, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसका स्टडी करते हैं। बट उससे पहले, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए चलते हैं हम सबसे फर्स्ट टॉपिक आज का, जो है लीगेसी, वसीयत। क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति डेथ कर रहा होता है या डेथ करने से पहले, दैट मीन्स स्वर्गवासी होने से पहले, उनके नाम का या उनके अधिकार में जो प्रॉपर्टी होता है, जो वेल्थ, जो पैसे या धन होते हैं, वो उनका इच्छा ये होता है कि हमारे जाने के बाद इन प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा किसी समाज कल्याण के उद्देश्य से किसी एनजीओ में या एनपीओ में डाल दिया जाए, जिससे कि समाज का कल्याण हो। तो उनके मृत्यु के इच्छा पत्र के हिसाब से जो प्रॉपर्टी, जो धन किसी भी एनपीओ में, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लगा दिया जाता है जिससे कि समाज और देश का कल्याण हो, तो उसी को हम लोग लीगेसी कहेंगे। दैट मीन्स द अमाउंट और एनीथिंग वैल्यूएबल विच इज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट और डोनेशन एट द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन दैट मीन्स जो मृत व्यक्ति हैं, जो डेथ कर चुके हैं या उनके इच्छा के हिसाब से, तो उनको हम अगर एनपीओ में लगा देते हैं तो वो होता है हमारा लीगेसी। ये लीगेसी, वसीयत, बार बार प्राप्त होने वाला चीज है नहीं, इसलिए इसको हम कैपिटल रिसिप्ट एज्यूम करते हैं और कैपिटल रिसिप्ट मान करके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, एंड दैट इज योर लीगेसी एंड इंपोर्टेंट। चलिए सेकेंड टॉपिक, एंट्रांस फीस या एडमिशन फीस। एंट्रांस फीस और एडमिशन फीस सिनोनिम्स है, एक ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क क्या होता है? जब किसी भी संस्था में आप प्रवेश करते हो तो प्रवेश करने से पहले आपसे कुछ चार्ज, कुछ पैसे, कुछ शुल्क लिए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रांस फीस या एडमिशन फीस। एज लाइक अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हो या एडमिशन ले रहे हो, तो एडमिशन लेते समय आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रांस फीस, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन फीस कह सकते हैं उनको। तो ये क्या होता है, जब किसी भी संस्था में, एनपीओ में कोई नए मेंबर, कोई नया सदस्य शामिल होते हैं, तो उनसे कुछ चार्ज, कुछ पैसे लिए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंट्रांस फीस। द अमाउंट चार्ज्ड टू बी अ मेंबर इज कॉल्ड एंट्रांस फीस। सदस्य बनने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं किसी संस्था के द्वारा या दिए जाते हैं, वही क्या होता है, एंट्रांस फीस, एडमिशन फीस। ये भी क्या होता है, एक तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट ही होता है, जो हर साल कहीं ना कहीं हर साल मिलने योग्य होता है। बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दिए रहेंगे कि एडवांस फीस का कुछ पार्ट आप कैपिटल रिसिप्ट मानिए और कुछ को आप रेवेन्यू रिसिप्ट लेकर के लिखा कीजिए। तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हो आपने क्वेश्चन में, उसी ढंग से आप उसका, उसको फॉलो करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। बट नॉर्मली एंट्रांस फीस या एडमिशन फीस होता है रेवेन्यू रिसिप्ट का होता है, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट का हो तो इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आय इनकम साइड में डालें, शो करें। और कुछ पार्ट अगर आप कैपिटल रिसीट माने हो तो उसको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करें, और नोट में, डिटेल में अगर आप कुछ
इसका इंस्ट्रक्शन दे दिया करें। चलिए नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड जिसको हम लोग समर्पित निधि बोलते हैं, ये एंडोमेंट फंड क्या होता है? जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए, किसी बड़े काम के लिए जो कि बार बार हुआ नहीं करती है, इसके लिए अगर आपको किसी जगह से कहीं से कोई पैसे मिलते हैं जिसको आप इस फंड में जाके जमा कर देते हो और उससे कोई स्पेशल काम करते हो, जैसे बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, पवेलियन के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी प्लांट और मशीनरी के प्रोडक्शन या परचेज करने के लिए अगर आप उस फंड में पैसे देते हो तो ये एंडोमेंट फंड के नाम से जाना जाएगा। और ये एंडोमेंट फंड जो होता है ना, वो एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट ही होता है और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम शो करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ मेंबरशिप फीस, जिसे हम बोलते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। नाम से क्लियर है, आजीवन दैट मीन्स जीवन भर, थ्रू आउट द लाइफ। किसी भी कोई भी सदस्य ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन के लिए, अपनी संपूर्ण जिंदगी के लिए एक ही बार शुल्क दे देते हैं, सदस्यता शुल्क ग्रहण कर लेते हैं किसी संस्था में, तो वो हो जाता है आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, जो पूरे लाइफ के लिए एक ही बार में फिक्स कर दिया जाता है। तो आप जानते हो कि जब कोई अमाउंट वन टाइम में, लंप सम में एक ही बार फिक्स कर दिया जाता है, जो कि बार बार मिलने वाला नहीं है, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति इसको मान करके इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, जो लाइफ मेंबरशिप फीस होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। मतलब पुराने संपत्तियों की बिक्री। कभी कभी संस्था में क्या होता है, तो कुछ पुरानी संपत्तियां, ओल्ड एसेट्स हुआ करती हैं, जो सही से फंक्शंस नहीं कर रही होती है या कंडीशन में नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेच दिया करते हैं, डिस्पोजल कर दिया करते हैं। तो ये ओल्ड एसेट्स को, पुरानी संपत्ति को अगर हम बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो फिक्स्ड एसेट्स हुआ करता है। तो ओल्ड एसेट्स के बेचने से जो इनकम प्राप्त होता है, दैट मीन्स जो उसमें से जो प्रॉफिट आता है, तो उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं। और अगर ओल्ड एसेट्स को सेल करने से लॉस हो जाती है, तो सेल लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लॉस में, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं। और इस पर अगर कोई डिप्रिसिएशन हुआ हो, ओल्ड एसेट्स के बेचते समय अगर आपको डिप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो उस डिप्रिसिएशन को आप फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करोगे, और वो डिप्रिसिएशन हुआ हो तो उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। तो ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है, सरकारी अनुदान कहते हैं। जब हम संस्था चलाते हैं और संस्था हमारा रजिस्टर्ड हो जाता है, तो सरकार की नज़रों में हम चूंकि समाज और देश का डेवलपमेंट के लिए, कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट खुश होकर के हमें क्या करते हैं, प्रोत्साहित करती है, हमें एंकरेज करती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी छोटी बड़ी अमाउंट मिलती है, उसे हम गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी अनुदान के नाम से जानते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स जनरली मिला करती है, मतलब हर साल या बार बार मिला करती है, तो उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, और रिवेन्यू रिसिप्ट मान करके उसको इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। बट गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट अगर बड़ा हो, जो कि नॉर्मली हुआ नहीं करती है, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट मान सकते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट मान करके उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे एज ए कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन इसके बारे में भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया हो, तो हम उसको फॉलो करें, ये हमारे लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो हमने लिया है एनपीओ में, वो है ऑनोरेरियम। इसे हम लोग बोलते हैं मानदेय या पारिश्रमिक। मानदेय या पारिश्रमिक ये क्या होता है? तो संस्था में कोई स्टाफ होते हैं या लेबर होते हैं या जो भी कर्मचारी होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको काम के बदले में कुछ पारिश्रमिक, कुछ मेहनत का फल देना होता है, इसे हम लोग मानदेय या ऑनोरेरियम बोलते हैं। और ये चूंकि एक तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसे हम
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर के तौर पे शो करते हैं। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स, पुराने अखबारों की बिक्री या जो मैगजीन्स होते हैं जो वीकली या मंथली लाए जाते हैं, वो मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर जो आया करती है लाइब्रेरी में या ऐसे संस्था में, तो वो पुराना है, उसको हम लेकर करेंगे क्या? तो उन पुराने न्यूज़पेपर्स को या मैगजीन्स को अगर हम सेल कर देते हैं तो वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, क्योंकि वो बार बार आता है और बार बार बेचा जाता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट उसको एज्यूम करके उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एनपीओ से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें और शेयर कर दें, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।